हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरती मौर्या, स्पेशल एजुकेटर। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों? दोस्तों, जैसा कि हम पेपर 7 पर बात कर रहे हैं, हमने कर चुके हैं पेपर 7 में शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा शिक्षा के प्रकार, यानी कि शिक्षा के प्रकार कौन कौन से हैं। दोस्तों, आधुनिक शिक्षा के अनुसार आज हम जानेंगे शिक्षा के प्रकार कौन कौन से हैं। दोस्तों, तो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, शिक्षा के प्रकार, दोस्तों जिस प्रकार से आधुनिक शिक्षा से हमारे जो कुछ निम्नलिखित प्रकार है उन प्रकारों पे बात करेंगे। ये पेपर 7 के लिए, डीड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि किसी भी एक शिक्षा के प्रकार को लेके वो उदाहरण पूछ सकते हैं, उसकी परिभाषा पूछ सकते हैं, उसका अर्थ पूछ सकते हैं, दोस्तों उसका माध्यम पूछ सकते हैं शिक्षा का। तो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं शिक्षा के प्रकार। शिक्षा के प्रकार दोस्तों कुछ इस तरीके से निम्नलिखित प्रकार दिए गए हैं आधुनिक शिक्षा वास्तविकता का अर्थ देखते हुए शिक्षा का, जैसे कि औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा, खुली शिक्षा, दूरदृष्ट शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा, सामान्य शिक्षा। अब औपचारिक, सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा क्या है? औपचारिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रक्रिया है जिसमें समय, स्थान, पाठ्यक्रम, समय, स्थान, पाठ्यक्रम और हम कह सकते हैं उद्देश्य निश्चित होते हैं। औपचारिक शिक्षा में क्या है दोस्तों? औपचारिक शिक्षा की प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समय, स्थान, पाठ्यक्रम और उद्देश्य निश्चित दिए होते हैं, वह शिक्षा औपचारिक शिक्षा कहलाती है। और औपचारिक शिक्षा के जो साधन है दोस्तों, हम कह सकते हैं औपचारिक शिक्षा कैसी होती है? तो औपचारिक वह शिक्षा होती है जिसमें समय निश्चित होता है, स्थान निश्चित होता है, पाठ्यक्रम निश्चित होता है, उद्देश्य निश्चित होता है दोस्तों। और यह शिक्षा किसी संस्थान में या विद्यालय में या पुस्तकालय में आदियों में, जिसमें क्या है कोई एक सीमित समय हो, सीमित उद्देश्य हो, उसका एक उद्देश्य हो, सीमित समय, यानी कि हर चीज क्या हो उद्देश्य पूर्ण हो, तो वह शिक्षा क्या कहलाती है? औपचारिक शिक्षा कहलाती है। हम कह सकते हैं शिक्षा, औपचारिक शिक्षा प्रणाली ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें समय, स्थान और पाठ्यक्रम और उद्देश्य निश्चित होते हैं, समय सारणी निश्चित हो सकती है और विद्यालय के नियमानुसार शिक्षा प्रदान की जाती है, वह प्रणाली औपचारिक शिक्षा प्रणाली कहलाती है दोस्तों। जो कि हम उदाहरण के साथ कह सकते हैं, किसी संस्थान में समय और पाठ्यक्रम और उद्देश्य निश्चित होता है, विद्यालय में हमें एक समय, निश्चित समय होता है कि एक वर्ष में इतना पढ़ाया जाएगा और एक विशेष पाठ्यक्रम होता है और एक उद्देश्य होता है दोस्तों। तो विद्यालय और पुस्तकालय में भी समय, पाठ्यक्रम सब कुछ निश्चित होता है दोस्तों। उसके बाद दूसरा है दोस्तों अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन। दोस्तों अनौपचारिक शिक्षा ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें सेम इसके अपोजिट ना तो कोई समय निश्चित होता है, ना पाठ्यक्रम निश्चित होता है और ना ही कोई उद्देश्य होता है। यानी कि ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसमें ना कोई उद्देश्य, ना पाठ्यक्रम, ना समय, कोई समय सारणी, तो ऐसी प्रणाली क्या कहलाती है? अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जो हम बिना उद्देश्य के, बिना समय के और बिना पाठ्यक्रम के सीखते हैं, वह शिक्षा हमारी अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। अनौपचारिक शिक्षा दोस्तों हम कह सकते हैं जैसे कि जहां पर नियम है, नियमों का पालन किया जा रहा है, वह तो औपचारिक शिक्षा है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में कोई नियम का पालन नहीं किया जाता है, कोई हम कह सकते हैं कोई कठोर बंधन नहीं होता है, यह बहुत मुक्त शिक्षा होती है दोस्तों। तो अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें ना तो कोई नियम, उद्देश्य, पाठ्यक्रम या समय सारणी का पालन किया जाता है, वह शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम दोस्तों हम कह सकते हैं परिवार, समाज, समुदाय, रेडियो या समाचार पत्र। तो
ये इन इन माध्यमों से क्या है, हम कह सकते हैं परिवार में कोई बच्चा कि हर समय कुछ ना कुछ सीखता रहता है, उसका कोई उद्देश्य नहीं होता, उसका कोई पाठ्यक्रम नहीं होता, उसका कोई समय नहीं होता। समाज में व्यक्ति किसी के साथ रहकर कुछ ना कुछ सीखता है जिसमें ना कोई उद्देश्य है, ना समय है, ना पाठ्यक्रम है। समुदाय में रहकर व्यक्ति को सीखता है सांस्कृतिक कार्य को, लेकिन वह ना किसी पाठ्यक्रम के साथ, ना कोई समय के साथ, ना उद्देश्य के साथ। रेडियो पर अगर कोई प्रोग्राम हो रहा है, चाहे वो शिक्षित शैक्षणिक से संबंधित है या खेल से संबंधित है, तो बच्चा कुछ ना कुछ सीख रहा है। लेकिन जो वह सीख रहा है, वह शिक्षा प्रणाली कौन सी है? अनौपचारिक शिक्षा है, जिसमें कोई उद्देश्य नहीं है, जिसमें कोई पाठ्यक्रम नहीं है, जिसमें कोई समय नहीं है और कोई नियम नहीं है। तो वह शिक्षा कौन सी है? अनौपचारिक शिक्षा है दोस्तों। उसके बाद आती है दोस्तों निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है, ना तो वह औपचारिक शिक्षा का धारण करती है, ना ही अनौपचारिक शिक्षा का धारण करती है, लेकिन एक पाठ्यक्रम निश्चित होता है इसका। पाठ्यक्रम निश्चित होता है और क्या है, बहुत ज्यादा कठोर नहीं होती है, बाधा मुक्त होती है, कठोर नहीं होती दोस्तों ये औपचारिक शिक्षा। और एक उद्देश्य होता है इसका। तो निरौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा प्रणाली है जिसमें जो शिक्षा ना औपचारिक शिक्षा का धारण करती है, ना अनौपचारिक शिक्षा का कस्मिक धारण करती है, लेकिन इसका पाठ्यक्रम निश्चित होता है, वह शिक्षा निरौपचारिक शिक्षा कहलाती है। और निरौपचारिक शिक्षा क्या है दोस्तों? जीवन भर में चलने वाली प्रक्रिया है दोस्तों। इसमें कोई ऐसा नहीं होता है कि एक समय है कि एक व्यक्ति एक वर्ष में ही अपनी शिक्षा ग्रहण करेगा, ऐसा नहीं होता है। ये इसमें कोई कठिन नियम नहीं लागू होते हैं। एक उद्देश्य, एक पाठ्यक्रम निश्चित होता है। इसके अलावा समय, स्थान, एज, आयु कुछ निश्चित नहीं होती है। वह शिक्षा निरौपचारिक शिक्षा कहलाती है। उसके बाद है दोस्तों खुली शिक्षा, यानी कि ओपन एजुकेशन। आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी क्या है, बहुत सारे व्यक्ति ओपन एजुकेशन ले रहे हैं, क्योंकि क्या है ना कि वह किसी कार्य के साथ, व्यवसाय के साथ साथ वह अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इसलिए उनको सबसे ज्यादा सरल तरीका लग रहा है कि ओपन एजुकेशन, यानी कि खुली शिक्षा ले रहे हैं। खुली शिक्षा वह शिक्षा है, खुली शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया में ना तो आयु का, ना योग्यता, ना स्थान, ना पाठ्यक्रम निश्चित होता है। यानी कि ओपन एजुकेशन में क्या है, खुली शिक्षा में क्या है दोस्तों, ना तो आयु, ना योग्यता, ना स्थान, ना पाठ्यक्रम निश्चित होता है। यह एक खुली शिक्षा है जिसमें व्यक्ति बहुत ही आसानी से अपनी एजुकेशन को पूरी कर सकता है। और क्या है, ये बहुत ही ज्यादा सरल और मुक्त और कोई नियम लागू नहीं होता है। ये भी जीवन प्रति चलने वाली एक शिक्षा प्रणाली है जिसमें व्यक्ति क्या है, ना तो उसकी कोई आयु, जैसे कि हम कह सकते हैं कि 10th क्लास का बच्चा 14 वर्ष में ही करेगा या 20 वर्ष के बाद नहीं करेगा। इसमें क्या है, हम कह सकते हैं 40 इयर्स का भी व्यक्ति क्या है ओपन एजुकेशन से 10th क्लास कर सकता है। तो उन्होंने कहा है ना तो कोई योग्यता महत्व रखता है और ना ही आयु का कोई उन्होंने निश्चित दे रखी है कि इस आयु के बाद आप ये क्लास नहीं करेंगे, इस आयु के बाद ये शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो खुली शिक्षा एक ऐसी शिक्षा प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति ना आयु, ना योग्यता को महत्व रखते हुए अपनी शिक्षा को पूरे कर सकता है। और एक निश्चित पाठ्यक्रम के साथ दोस्तों, निश्चित पाठ्यक्रम और जिसमें निर्धारित समय नहीं होता, वह अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए आंतरिक यानी कि अंतिम समय तक वह क्या कर सकता है, अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर सकता है। पाठ्यक्रम के लिए दोस्तों कोई निश्चय समय नहीं होता, वह चाहे अपने किसी कोर्स को या किसी शिक्षा को 1 साल से लेकर 10 साल तक पूरा कर सकता है। और यह शिक्षा दोस्तों पत्राचार द्वारा करी जाती है, पत्राचार द्वारा, पत्राचार, दूरदर्शन या वीडियो के माध्यम से। तो खुली शिक्षा दोस्तों या पत्राचार के माध्यम से होती है, दूरदर्शन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से शिक्षा दे सकते हैं। तो खुली शिक्षा, ये खुली शिक्षा की प्रक्रिया है। खुली शिक्षा ऐसी शिक्षा प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति की ना तो आयु महत्व रखती, ना योग्यता महत्व रखती, ना स्थान महत्व रखता है और ना ही पाठ्यक्रम के निर्धारित समय उसमें महत्व रखता है। और उसमें दे रहे हैं कि यह शिक्षा ऐसी शिक्षा प्रक्रिया है जो बहुत ही आसानी से हमें घर बैठे प्राप्त होती है, जो कि हम क्या है पत्राचार के द्वारा ले सकते हैं, दूरदर्शन के द्वारा ले सकते हैं, वीडियो के माध्यम से ले सकते हैं। वह शिक्षा
खुली शिक्षा कहलाती है दोस्तों। दूसरी है दोस्तों दूरदर्शी शिक्षा यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन एक ऐसी शिक्षा का माध्यम है दोस्तों जो कि इस शिक्षा में कोई भी व्यक्ति अपनी एजुकेशन को हायर एजुकेशन बनाना चाहता है और वह अपने घर से और शिक्षा संस्थान से बहुत ज्यादा दूरी पर है और वह शिक्षा नहीं ले पा रहा है, उसके लिए सबसे अच्छा सरल तरीका यही है कि वह दूर शिक्षा ले यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन से करे अपनी शिक्षा पूरी। तो डिस्टेंस एजुकेशन का मतलब है दूरदर्शी शिक्षा यानी कि दूर से ग्रहण करने वाली शिक्षा दूरदर्शी शिक्षा कहलाती है डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन में क्या होता है, व्यक्ति घर बैठकर पत्राचार द्वारा अपनी शिक्षा को पूरा कर सकता है और इसमें भी दोस्तों क्या है, ना तो कोई समय निर्धारित होता है और ना ही कोई पाठ्यक्रम निर्धारित, लेकिन इसमें उद्देश्य निर्धारित होता है। उद्देश्य निर्धारित होता है इसमें दोस्तों, जिसमें क्या है कि घर बैठकर बड़े आराम से कोई भी व्यक्ति अपनी शिक्षा पूरी कर सकता है और दोस्तों इसे भी हम पत्राचार द्वारा कर सकते हैं, इसको हम ईमेल द्वारा कह सकते हैं, हम कोई भी टेक्नोलॉजी यूज करके हम डिस्टेंस एजुकेशन को पूरा कर सकते हैं यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन के द्वारा अपनी एजुकेशन पूरी ले सकते हैं। और बहुत ही अच्छा एक माध्यम है दोस्तों शिक्षा लेने का कि घर बैठकर आप डिस्टेंस एजुकेशन से अपनी एजुकेशन को पूरा कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों विशिष्ट शिक्षा। विशिष्ट शिक्षा क्या है दोस्तों, विशिष्ट शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसमें किसी व्यक्ति के आगे एक विशिष्ट उद्देश्य को मानकर शिक्षा दी जाती है, वह शिक्षा विशिष्ट शिक्षा कहलाती है, जिसमें व्यक्ति का एक उद्देश्य होता है कि वह डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा या शिक्षक बनेगा या पेंटर बनेगा। तो ये विशिष्ट शिक्षा में आ गया कि उसका एक उद्देश्य मानकर उसको शिक्षा दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है, वह शिक्षा विशिष्ट शिक्षा कहलाती है। उसके बाद है दोस्तों सामान्य शिक्षा। दोस्तों एक चीज और, विशिष्ट शिक्षा के संस्थान अलग अलग होते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं अगर वह डॉक्टर बनेगा तो मेडिकल कॉलेज होंगे, इंजीनियर बनेगा तो इंजीनियरिंग कॉलेज अलग होंगे, तो इनके क्या संस्थान अलग अलग होते हैं। फिर कह रहे हैं दोस्तों सामान्य शिक्षा। सामान्य शिक्षा क्या है दोस्तों, सामान्य शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो कि समाज के हित यानी कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक होती है, वह शिक्षा सामान्य शिक्षा कहलाती है और सामान्य शिक्षा के द्वारा संस्कृति समाज में स्थानांतरण होती है और कल्याणकारी होती है, वह शिक्षा सामान्य शिक्षा है। दोस्तों सामान्य शिक्षा में हम कह सकते हैं कि वह शिक्षा जो प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है इसके द्वारा समाज को सभ्यता एवं संस्कृति का होता है। यानी कि क्या है, सामान्य शिक्षा है। सामान्य शिक्षा क्या है दोस्तों, कह रहे हैं वह शिक्षा जो प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है, इसके द्वारा समाज की सभ्यता एवं संस्कृति का स्थानांतरण होता है, वह शिक्षा सामान्य शिक्षा कहलाती है दोस्तों। तो सामान्य शिक्षा के हम कह सकते हैं संस्थान हो गई, आश्रम हो गए, विद्यालय हो गए, विश्वविद्यालय हो गए, निम्न प्रकार के ऐसे कई प्रकार के हमारे स्रोत हैं, कई प्रकार के माध्यम हैं जिससे हम सामान्य शिक्षा लेते हैं दोस्तों। और प्रत्येक मनुष्य के जीवन में सामान्य शिक्षा आवश्यक है दोस्तों। तो ये थे हमारे आधुनिक शिक्षा के अनुसार से दोस्तों शिक्षा के प्रकार। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा के उद्देश्यों की दोस्तों, कौन कौन से उद्देश्य है शिक्षा के। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। यदि आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। Thank you so much.